वेलकम बैक टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हमारा होगा अमेजन सेल्स रिपोर्ट। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में हम आपको हमारी अमेजोन में कितनी सेल्स हुई। सबसे पहले मैं डेटा सेट की आपको बात कर देता हूँ। ये आपको कैगल पेजली से मिल जाएगा और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे इसके लिंक भी दे दूंगा डेटा सेट की। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डेटा सेट दिखाता हूँ। तो ये हमारा डेटा सेट है और यहाँ पे ये देखिए आप इंडेक्स है। मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप एक्सेल में सबसे पहले देख रहा हूँ, ये एक सीएसवी फाइल है। तो मैं इसको जैसे ही टेबल में ये कर लूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑर्डर आईडी है, ये इंडेक्स है, ऑर्डर आईडी है एंड डेट है। जो हमारा डेटा सेट है ये हमारा ओनली 2022 का है एंड जो हमारा स्टेटस है आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। ये हम सारा चेक करेंगे आज इसमें पाइथन के उसमें कि कितना ऑर्डर शिफ्ट हुए हैं, कितना ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। एंड ये हमारा सेल्स चैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह amazon.in है या नॉन अमेजोन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद कैटेगरी वाइज है, हम सबसे ज़्यादा देखेंगे हमारे सबसे ज़्यादा कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी है, क्वान्टिटी देखेंगे हम और इसका अमाउंट देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये है। तो आप सिटी वाइज भी देख सकते हैं, स्टेट वाइज भी हम इसमें देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज भी हैं, जीरो वैल्यूज भी हैं, तो हम इसको फिल कर देंगे। तो चलिए हम इसके बाद चलते हैं आपका जुपिटर नोटबुक में, मैं इसको करूँगा। आप जुपिटर नोटबुक आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक को। सीधा आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे डाउनलोड पाइथन करिए, जो आपके फर्स्ट लिंक आएंगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मेरे पे ऑलरेडी है, तो चलिए मैं सीधा आपको जुपिटर नोटबुक में लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारा जुपिटर नोटबुक का कुछ इस तरीके का इंटरफेस। आप यहाँ पर से न्यू करके पाइथन 3 आप इसको क्लिक करिए एंड आपके पास कुछ इस तरीके का ये खुल जाएगा। इसमें ये मैं पहले ही कर चुका हूँ, बस आपको दिखाने के लिए है। तो ये देखिए, ये आपका ये है, मैं इसको वाले बटन रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा सेल बढ़ा लेता हूँ। आप बी करके ये ब्लू में सेल बढ़ाता जाएगा एंड आप ए करोगे तो ये अबव में सेल बढ़ाता जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर से हम इसका नेम डालते हैं अमेजोन सेल्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट, रिपोर्ट प्रोजेक्ट और सॉरी तो हमारा हो चुका है। इसके बाद आप सिंपल एंटर कीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेम भी चेंज हो चुका है इसके बाद पे। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट लाइब्रेरीज करेंगे, इंपोर्ट लाइब्रेरीज। तो मैं आपको कमेंट में लिख देता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इंपोर्ट पांडास एसपीडी, तो यह है। इसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट नंपाय एसएनपी। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट, इसका अल्टरनेटिव होगा एस पी एल टी सॉरी पी एल टी एंड सबसे लास्ट हम करेंगे इंपोर्ट सी बॉन एस एस एन एस। फ्रेंड्स, ये हमारी लाइब्रेरीज है, मैं इसको रन भी कर लेता हूँ। रन करने के लिए आप यहाँ ऊपर से भी कर सकते हैं या शिफ्ट एंटर से भी आप रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रन हो चुका है यहाँ पे स्टार का। तब तक मैं आपको ये बता लेता हूँ जब तक ये रन होता है। तो ये पांडास है हमारा, हमारा ये पांडास डेटा फ्रेम के लिए या मैनिपुलेटिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंपाई जो हमारी लाइब्रेरी होती है वो हम एरे के लिए यूज़ करते हैं और मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन ये दोनों हमारे ग्राफ एंड चार्ट के लिए होते हैं जिससे हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हमारी लाइब्रेरीज इम्पोर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये लाइब्रेरीज इम्पोर्ट नहीं हो रही हैं तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन होता है हम पे, आप इसको शिफ्ट के साथ कीजिए एंड इसके बाद आप लिखिए कोई सी भी लाइब्रेरी जो भी आपकी जुपिटर नोटबुक में, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें, अगर नहीं हो रही तो आप यहाँ पे पीआईपी सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए, पीआईपी इंस्टॉल
नंपाई, सपोज आपका नंपाई नहीं हो रहा है तो आप इसको रन कर लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, या आपके देन इसके बाद आप इसको इंपोर्ट कीजिए, तो इससे क्या होगा, या आपके सबसे पहले इस जुपिटर नोटबुक में लाइव कोई सी भी लाइब्रेरी आपका इंस्टॉल हो जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका लाइब्रेरी आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम करते हैं इंपोर्ट डेटा सेट। मैं इसको कमेंट यहाँ पे से मैं इसको हेडिंग भी कर लेता हूँ, आप इसको हेडिंग भी कर सकते हैं, एंड मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम अपना डेटा फ्रेम बनाएंगे, जिसका नाम मैं df दूंगा, और df में डालूंगा ये हमारी csv फाइल है, तो मैं इसके लिए दूंगा pd.read, क्योंकि हमें इसको रीड भी करना है, एंड csv एंड इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड इसके बाद मैं सबसे पहले इसको दूंगा, यहाँ पे हम फाइल का पाथ चाहिए होता है, तो फाइल के पाथ के लिए मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरी फाइल सेव है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा, या तो आप क्या कीजिए, आप सीधा यहाँ पे जाइए, या आपको फाइल की पाथ दिखा देगा, एंड यहाँ पर से नहीं तो आप इसके फाइल पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज में जाइए, तो यहाँ पे आपको लोकेशन शो हो रही होगी, इस लोकेशन को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या कीजिए, कॉपी करने के बाद आप अगेन दोबारा अपने जुपिटर नोटबुक में आए एंड इसको यहाँ कॉपी कर दीजिए, एंड इसके बाद क्या कीजिए, आप जो हमारे फाइल का नेम होता है स्लैश के साथ, आप इसको स्लैश डालिए, एंड हमारे फाइल का नेम यहाँ पे अगेन आप प्रॉपर्टीज में आइए, एंड ये हमारे फाइल का नेम है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, एंड ओके हिट, दोबारा मैं जुपिटर नोटबुक में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ये कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे फाइल का नेम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फाइल के नेम में ऑलरेडी .csv लगा हुआ है तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आपके फाइल में हमारी अगर फाइल का नाम सिर्फ अमेजोन सेल्स डेटा सेट रहता तो मुझे पीछे से .csv भी लगाना पड़ता। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे डेटा फ्रेम को भी मैं प्रिंट कराने के लिए दूंगा, तो यहाँ पे ये यूनिक कोड स्पेस होता है, मैं इसमें दे दूंगा r रॉ स्ट्रिंग होती है हमारा, तो ये काम करता है, ये हमारे जो रॉ स्ट्रिंग होती है ये हमारे फाइल को एक्यूरेट पाथ को पाइथन को बताने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी फाइल है, हमारी फाइल आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं इसमें सबसे पहले इन्फो चेक कर लेता हूँ, तो इसके लिए हम करेंगे df.info एंड इसको रन कर देंगे। तो df.info से आप अपने फाइल का पूरा जो डेटा फ्रेम है वो किसमें है, देखिए आप पांडास कोर या आपको यहाँ पे दिखा रहा है फ्रेम डेटा फ्रेम, तो हमारे उसमें टोटल वैल्यूज देखिए आप किसमें कितनी है, 128,976 हम पे टोटल इंडेक्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो सब में यही है। तो यहाँ पे नॉट नल भी है, तो कहीं कहीं पे हमारा डेटा फ्रेम देखिए आप इसमें वैल्यूज़ कम हो रही हैं, तो इसमें भी देखिए ये फुल फील्ड बाई था इसमें भी, और यहाँ पे आपको जो डेटा टाइप है ये भी हमें शो हो रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू इंटीजर में वो इंटीजर में शो होगी, करेंसी भी आपका ऑब्जेक्ट बता रहा है, जबकि करेंसी हमारी आई थिंक करेंसी हमारी इंटीजर, चेक करते हैं करेंसी, हाँ सॉरी करेंसी INR है, तो ये ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा ये B2B है ये यहाँ पे बूल दिखा रहे, तो इसका मतलब बुलियन है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स में होंगे, तो ट्रू एंड फॉल्स में आपको पता है पाइथन में बुलियन दिखाता है, और जो फ्लोट वैल्यू है वो हमारी पॉइंट में होगी, ये फ्लोट वैल्यू ये इसके लिए होगा अमाउंट के लिए। तो फ्रेंड्स, सब कुछ चेक होने के बाद इसमें मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से बता लेता हूँ कि लाइब्रेरीज हमने सबसे पहले इंपोर्ट की, इसके बाद हमने पांडास किया, ये हमारे डेटा मैनिपुलेटिंग और डेटा फ्रेम के लिए होता है, यहाँ पे मैंने नंपाई भी की जो हमारे एरे में होगा, मैटप्लॉटलिब और सीबोन दोनों का काम बार एंड चार्ट ग्राफ का होगा, ये हमारा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे df pd.read_csv में ये वाला सिंटैक्स दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फाइल का पाथ है और ये हमारी फाइल का नेम है। इसके बाद आप यहाँ पे आर देख रहे होंगे, ये आर हमारा क्या करता है, जो कि मैंने इससे पहले ही बताया कि हमारे डेटा सेट के पाथ को क्लियर कर लेता है,
जो भी हमारे ये बैक स्पेस है, ये क्या बोलते हैं, सॉरी बैक स्पेस नहीं, ये हमारी स्लैश है, जो भी इनको पढ़ने में अगर दिक्कत होती है तो ये आर स्ट्रिंग से, रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, इससे हमारा ये सब कुछ रिमूव होके एक क्लियर फाइल पाथ जुपिटर पढ़ पाता है, पाइथन पढ़ पाता है। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं, हम इसमें देखेंगे df डॉट हेड से हम अपने डेटा को, ये हमारे डेटा के फर्स्ट फाइव के ये हमें शो हो जाएगा जो हमारे डेटा का फर्स्ट फाइव है। इसके बाद अगर आप df डॉट टेल करेंगे तो ये हमारी लास्ट की फाइव रोज को ये हमें शो कर लेगा, ये हमारी लास्ट की है। मैंने आपसे डेटा सेट कराया था कि 1200 कितना है, 1,28,000 बताया था आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डेटा सेट है। तो चलिए मैं आपको एक अनदर वे बताऊँ नल वैल्यूज को चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लिख देता हूँ, चेकिंग नल वैल्यूज, सॉरी एम हो गया वो नल वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, चेकिंग नल वैल्यूज के लिए यहाँ पे एक आता है हमारा पी डी डॉट इज नल, और मैं ब्रैकेट के अंदर क्या दे दूंगा, df, क्योंकि हमारा ये डेटा फ्रेम है। तो मैं इसको रन कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे जो नल नहीं होंगी वो फॉल्स आएंगी, जो नल होंगी वो ट्रू आ जाएंगी, पर इसमें हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास टोटल एग्जैक्ट नल वैल्यूज़ हैं कितनी। तो यहाँ पे भी हमें खाली यहाँ पे वैल्यूज़ का पता नहीं चल रहा था। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक अनदर कीवर्ड होता है, आप सबसे पहले इस वाले को देखिए, ये हमें दिखाता है कि ट्रू एंड फॉल्स के उसमें दिखाता है, जहाँ पे नल वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे ट्रू होगा, पर ये पूरे डेटा फ्रेम में हमें फॉल्स फॉल्स दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स हमें टोटल नल वैल्यूज़ को चेक करना है, तो इसके लिए मैं एक सबसे पहले कमेंट लिख लेता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ टोटल नल वैल्यूज, मैं इसमें सबसे पहले डाल देता हूँ चेक टोटल नल वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे डाल देते हैं हम pd डॉट, हम यहाँ पे लगाएंगे इज नल, अगेन इज नल, एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे df, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा सम, मुझे टोटल वैल्यूज चाहिए जो हमारी नल है, तो मैं इसको सम कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोड काफ़ी इजी से रन हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो हमारे नल वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे जीरो आ रहा है, एंड यहाँ पे करेंसी अमाउंट, एंड ये फुल फिल वाई पे हमारे यहाँ पे नल वैल्यूज़ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा नल वैल्यूज़ का शोर है, एंड सिप सिटी 35, सिप डेट, सिप पोस्टल कोड, ये हमारी नल वैल्यूज़ हैं। आप इस कोड के उससे आप अपने टोटल नल वैल्यूज़ को हमने सम कर लिया, इज नल है अगर हमारे डेटा फ्रेम में, ये हमारे पांडास के उससे है, pd आपने देख चुका होगा ऊपर, pd इज नल, ये हमारा डेटा फ्रेम आ चुका है। एंड इसको क्या कर लिया मैंने, डॉट सम, तो मैंने क्या किया, जो हमारी नल वैल्यूज थी उसको मैंने टोटल कैलकुलेट करके ये हमें दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक df डॉट सेव करके आपको बता देता हूँ, सॉरी यहाँ पे है df डॉट सेव। इससे क्या होगा, इससे जो आपके डेटा फ्रेम में जो आपका टोटल रो एंड कॉलम आपको दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं एक और कमेंट लिख देता हूँ, रिमूव एंड ड्रॉप, मैं इसको ड्रॉप का साइन दे लेता हूँ, रिमूव एंड ड्रॉप नल वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर करूँगा एक कोड, मैं यहाँ पे डालूँगा df डॉट ड्रॉप na और इन प्लेस कर दूंगा ट्रू। इन प्लेस ट्रू करने से क्या होगा, ये हमारे डेटा सेट में ट्रू, तो मैं इसको रन कर दूंगा, इसके रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रन हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अगेन दोबारा ये df डॉट सेव को कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं डेटा को देखता चाहता हूँ, तो ये हमारे पास 37 रोज़ हैं, यहाँ पे पहले 1 लाख थी, तो इसने सब कुछ डिलीट कर दिया है। इसके बाद अगर आप अगेन दोबारा चेक करना चाहते हैं
तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को यहाँ पर से कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी करूँगा एंड यहाँ पे ये कर दूँगा और इसको रन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर सकते हैं हमारे पास सब कुछ जीरो जीरो हो चुका है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उनको डेटा सेट को ही हटा दिया जो हमारे पास नल वैल्यूज़ थे। तो अगेन मैं टी एफ डॉट इन्फो से भी आपको चेक करा सकता हूँ। तो ये मैंने डी एफ डॉट इन्फो को रन कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो नल वैल्यूज़ थी, जो हमारे पास टोटल ये थे, वो हमारे रिमूव हो चुकी हैं वो डेटा से, मैंने उनको डिलीट कर दिया है। तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं, बी फिल या डी फिल भी कर सकते हैं आप इसको। तो मैं यहाँ पे रिमूव करना मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ इन वैल्यूज़ को। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर लिया है। तो आपको हमारे पास, मैं यहाँ पे देखता हूँ, टोटल 19 कॉलम है। कॉलम्स के साथ मैंने कोई छिड़कानी नहीं की है, कॉलम हमारे पास उतना ही है। एंड बस मैंने इसको रो को था जिन पर ब्लैंक वैल्यूज़ थी, तो मैंने उनको रिमूव कर लिया है। अब हमारे पास टोटल सब में इक्वल रो आ चुकी है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अगेन डी एफ डॉट हेड ले लेता हूँ। और डी एफ डॉट हेड लेने के बाद मैं यहाँ पर वैल्यूज़ देखूँगा और यहाँ पे ये हमारा पोस्टल कोड है, ये फ्लोट वैल्यू में है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंटीजर वैल्यू में लाऊँगा। मैं अभी इसका आपको यूज़ बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, चेंज डेटा टाइप। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा डी एफ एंड स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे सिंगल कोट में लूँगा। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लेते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको कहाँ पे लेना है, ये जब भी आप किसी कॉलम का नेम टाइप कर रहे होते हो तो आपको वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ता है। तुम्हारे कॉलम का नेम है, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, डेटा ही से मैंने इसको कॉपी किया। तो ये हमारे कॉलम का नेम है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे करूँगा मैं इक्वल टू डी एफ, और अगेन मैं यहीं से इसको पेस्ट भी कर दूँगा। एंड जो हमारे इसका हमें चेंज करना है, तो मैं इसके लिए लिखूँगा एस टाइप, यह एक कीवर्ड है, और इसको मैं इंटीजर में चेंज करूँगा। तो मैं इसको रन कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये रन हो चुका है। तो इसका मतलब है हमारा डेटा टाइप चेंज हो चुका होगा। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉलम का नेम डालते हैं कि हमारा चेक हुआ है नहीं। तो मैं इसके लिए डालता हूँ चेक डेटा टाइप इस चेंज और नॉट, ओके। तो इसके लिए हम दूसरा डालते हैं, मैं अगेन मैं ओनली इसी कॉलम का चेक करना चाहता हूँ, तो मैं बस इसी के लिए, वरना आप डी एफ डॉट इन्फो से भी आप सब डेटा चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले ही से इसको कॉपी कर रखा था एंड मैं करूँगा यहाँ पे डी टाइप, डी टाइप। तो हमारा डी टाइप है, मैं यहाँ पे आप देखो, आप इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंटीजर आ रहा है, इंटीजर 32। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमारा सिर्फ कोड फ्लोट वैल्यू था, इसके बाद हमारा इंटीजर हो चुका है। तो ये हमारा चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा डेट है, डेट का हम देखते हैं क्या आ रहा है। डेट का हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपने यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारा डेट का है, मैं उसको हाईलाइट करा के देख सकता हूँ। तो ये हमारा डेट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको हम डेट में चेक करेंगे, चेंज करेंगे सॉरी। तो मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, डी एफ एंड अगेन हमारा कॉलम लेना है हमें, तो इसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट लेना होगा और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूंगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आप पी डी डॉट टू अंडरस्कोर डेट, यह आपको लिखना पड़ेगा, डेट टाइम, ये होता है हमारा आपका डेटा फ्रेम में चेक करने के लिए। अगेन डी एफ एंड इसके अंदर था हमारा डेट, सॉरी कंट्रोल वी। तो ये मैंने इसको चेंज कर लिया है, तो मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ, ये हमारा रन भी हो चुका है। अगेन मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करूँगा, और जो हमारा पोस्टल कोड था
मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल वी। हाँ सॉरी, ये हमारा पोस्टल कोड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे अगेन ब्रैकेट लगाऊंगा एंड यहाँ पे अगेन ये मैं इसको ये दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा डेट और मैं इसको रन कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इसमें दिखा रहा है, सो रहा है हमारा ये मिनट उसमें हो चुका है चेंज डेट में। फ्रेंड्स इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे आपको अपना डेटा सेट अगर आपको डिस्क्राइब करना है, आपको इसमें काउंट देखना है, मीन देखना है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आपको एवरेज देखना है, तो इसके लिए आप करेंगे df डॉट डिस्क्राइब एंड इसको ब्रैकेट के ऊपर रन कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा df डॉट डिस्क्राइब आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट हमारे पास टोटल इतना है, ये मीन हमारा इतना है, ये वैल डेट का भी दिखा रहा है, वो आपके पास मिनिमम जो डेट है वो ये है 25% से जो हमारे पास नीचे हैं एंड 50% अप एंड डाउन, ये 75% मैक्स हमारे पास जो डेट है वो ये है एंड ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका सब में डिस्क्राइब कर देगा। तो ये कीवर्ड हमारा इसलिए यूज़ होता है कि आप अगर अपने डेटा सेट को काउंट मीन वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम आप अगर इसमें चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा आई थिंक खाली इंटीजर वैल्यू इसमें शो होगा क्योंकि हमारा मिनिमम मैक्सिमम उसी में शो हो सकता है, ऑब्वियसली हम इसको इंटीजर वैल्यू में ही हमारा चेक करेगा। फ्रेंड्स आप लोग बोल रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को हमने शो नहीं किया है, ये खाली इंटीजर वैल्यूज़ को शो कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इस कीवर्ड को ये हमारा सिंटैक्स इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और इसके जो ब्रैकेट में है मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंक्लूड क्या लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इंक्लूड हमने इसमें ऑब्जेक्ट डाल दिया है, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। आपको स्टार का दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब हमारा इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, सॉरी मैं यहाँ पे ये इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हो गई। ऑलराइट ये हमारा हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इंक्लूड वैल्यू भी आ चुकी है, इंक्लूड वैल्यू में इसने ये हमारे ऑब्जेक्ट वैल्यू को दे दिया, इसने काउंट भी दे दिया, इसमें यूनिक वैल्यू कितनी है ये भी आपको दिखा दिया है, स्टेटस में हम पे टोटल 11 है, फुलफिल में हम पे 1 है, सेल्स चैनल पे हम पे 1 यूनिक वैल्यू है और आपका कैटेगरी में भी हम पे 8 यूनिक वैल्यू है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट को भी ये कर लेगा। मैं इसके लिए आपको यहाँ पे कमेंट भी कर लेता हूँ, कमेंट में मैं लिख लेता हूँ डिस्क्राइब आवर डेटा विथ ऑब्जेक्ट वैल्यू विथ ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं हमारे पास 12 ज़्यादा है, स्टेटस में ये है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट वैल्यू भी हो गया है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम का डिस्क्राइब चाहिए तो मैं इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लिख देता हूँ डिस्क्राइब फॉर स्पेसिफिक कॉलम्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे df दे दूंगा एंड हम इसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले दे दूंगा हमारा क्वांटिटी एंड चलो हम किसी को भी चेक कर लेते हैं, हमारा qty क्वांटिटी आ गया हमारा एंड इसके बाद दूसरा है हमारा अमाउंट, ये हमारा अमाउंट है एंड यहाँ पे से क्या करेंगे हम इसको डॉट डिस्क्राइब जो हम पे सॉरी डॉट डिस्क्राइब, तो ये हमारा डिस्क्राइब भी कर देगा। ये देखिए आप किसी स्पेसिफिक कॉलम को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसको आपको चाहिए, तो आप इस कीवर्ड से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको कमेंट में लिख के दे दिया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं अगेन df डॉट हेड कर लेता हूँ, ये हमारा डेटा सेट दिखा देगा मुझे। तो मैं इसमें साइज़ का देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारे पास स्मॉल साइज का कितना जो भी है हमारे पास स्टेटस क्या है, उसका डिलीवरी क्या है, कैंसिल है नहीं है, तो मैं इसके लिए देख देखता हूँ। सबसे पहले मैं साइज़ का देख लेता हूँ हमारे पास साइज़ का टोटल ऑर्डर कितने आ रहे हैं,
तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा ए एक्स इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगा इसको एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। मैं इसको काउंट प्लॉट में एस एन एस से आप समझ रहे होंगे ये सी बॉन का है, तो मैं इसके एक्स एक्सेस में क्या दूंगा साइज। तो ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं, पर आपको मेक श्योर कि जो आपने ऊपर कॉलम में नेम होगा आप उसी को वो कर दीजिए। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डेटा, तो डेटा हम किसको यूज़ करें हमारे डीएफ को। एंड मैं इसको रन कर दूंगा। रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पे आ तो गया है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास शायद आई थिंक ये मीडियम साइज का जो प्रोडक्ट है उसकी हमारे पास डिलीवरी आ रही है, ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, आप इसमें लेवल्स भी चेक करना चाहेंगे कि इसमें लेवल्स कैसे यूज़ होंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ चेक फॉर डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स। सॉरी मैं आप लिखता हूँ चेकिंग फॉर डेटा लेबल्स, चेकिंग फॉर डेटा लेबल्स। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर जो हमारा, मैं इसको एक वेरिएबल देता हूँ बार्स और इन, ये हमारा फॉर लूप का वेरिएबल होगा। इन किस में होगा, ये हमारा ए एक्स जो हमने यहाँ पे ये दिया है ए एक्स डॉट कंटेनर्स। तो ये हमारा कंटेनर्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कोलन से वो कर लेता हूँ एंड जो इसको रन करने के लिए ए एक्स बार लेबल। एंड मैं जो हमारे फॉर लूप का ये है क्या बोलते हैं इसको वेरिएबल है, मैं इसको यहाँ पे दे दूँगा। तो ये आप समझ रहे कि हमारा लूप में काम करेगा, जो हमारा सबसे पहले हमने फॉर लगाया, उसके बाद हमने बार से एक वेरिएबल होता है इन में ए एक्स डॉट कंटेनर्स है जो वैल्यू होंगी इसमें अंदर स्टोरेज होंगी। तो आप यहाँ पे जो हमारा ये है मैं इसको रन कर लूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमारा वैल्यूज लेवल्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक मीडियम का है जो मैंने आपके पास बोला था, और सबसे कम है हमारे पास 4XL, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने कोड काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगेन मैं आपको कोड समझा लेता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने AX एक वेरिएबल बनाया, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया SNS डॉट काउंट प्लॉट में, मैंने इसके साइज़ को चेक किया और अपना डेटा फ्रेम है जो अपन का, मैंने इसको डेटा में डेटा फ्रेम डाल दिया। इसके बाद मैंने चेकिंग फॉर डेटा लेवल्स, तो इसके लिए मैंने क्या किया फॉर लूप चलाया। तो फॉर में मैंने बार से एक ये फॉर लूप का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको किसके साथ लूप कर दिया इन में, किस में देखेगा ये ए एक्स डॉट कंटेनर्स जो ये वेरिएबल है ए एक्स डॉट कंटेनर में क्या है ये इसको कंटेनर्स में शो कर लेगा। एंड इसके बाद जो हमारा चलेगा ए एक्स बार लेवल, तो ये हमारा बार लेवल है, किस में दिखाएगा ये हमें बार में दिखाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट, आप अपने उससे लिख सकते हैं जो आपको इसके इनसाइट्स वगैरह लिखना है, मोस्ट ऑफ द पीपल पीपल बाइज बाय एन साइज। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको हेडिंग कर लीजिएगा, हेडिंग करने के बाद मैं इसको रन कर दूंगा यहीं से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सो हो चुका है मोस्ट ऑफ द पीपल बाइज कर लेते हैं इसको बाइज एन साइज। तो इसके बाद हम देखेंगे आपका कुरियर स्टेटस, देखेंगे कि हमारा कुरियर स्टेटस क्या रहा, जो कुरियर स्टेटस है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डीएफ देख सकते हैं, ये हमारा कुरियर स्टेटस है यहाँ पे, ये हमारा कुरियर स्टेटस है और मैं इसको स्टेटस के उस पर देखूंगा। तो चलिए मैं इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे एसएनएस में देखेंगे। फिर अगेन हम इसको काउंट प्लॉट में चेक करेंगे, काउंट प्लॉट आप यहाँ पे देखते हैं काउंट प्लॉट में मैं ले चुका हूँ। अगेन मैं यहाँ पे सबसे पहले आप डेटा लें या इसके आप एक्स वैल्यू लें, आप इसको उससे कोई नहीं पड़ता है। एंड एक्स में मैं क्या डाल दूंगा,
मैं यहाँ पे डबल यूनिट कॉमा में जो हमारा कुरियर स्टेटस है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ये कर दूंगा। एंड मुझे किसके अकॉर्डिंग ये चेक करना है, मुझे इसमें स्टेटस के अकॉर्डिंग चेक करना है, तो मैं यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल सॉरी एक ये वो डालूंगा इसको अचीव हुई का, तो मैं इसमें स्टेटस डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये हमारा स्टेटस आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे अचीव हुई का एक सिंटैक्स डाला, तो ये हम पे स्टेटस के उसमें अकॉर्डिंग शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ साइज इसका थोड़ा हम बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम डालेंगे PLD डॉट फिगर एंड मैं इसमें डाल दूंगा फिक्स साइज। फिक्स साइज डालते ही और आप इसमें डालेंगे जो इसका विड्थ होगा मैं इसको डाल दूंगा 6 में एंड इसको मैं एंटर कर दूंगा एंड यहाँ पे एक PLT डॉट शो भी होता है हमारा। तो ये है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये काउंट प्लॉट है, तो इसमें हम पर आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कलर्स के अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इसमें एंटर हुई हैं। अगेन आप इसमें अगर लेवल लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का यूज़ करिए फॉर लूप का, तो आपके डेटा लेवल भी आ जाएंगे इसमें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेजॉरिटी है वो हमारे आई थिंक ये शिफ्ट की है, जो हमारे शिफ्ट कुरियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवर टू बाय, डिलीवर टू बायर, तो ये हमारे डिलीवर्ड हो चुके हैं बायर को। तो आप इसको थोड़ा अगर आपने इसका विड्थ एंड इसकी लेंथ बढ़ानी है तो हमें इसको और बड़ा कर देंगे 20 एंड 16 के उसमें ले चलते हैं। सॉरी यहाँ पे पॉइंट हो चुका है, इसको शो नहीं कराएगा, कॉमा था यहाँ पे 20 एंड 16 के उसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके हाइट है बढ़ चुकी है, मैं अगेन हाइट को कम कर दूंगा, हाइट को मैं 14 कर दूंगा एंड इसकी जो विड्थ है मैं इसको 20 कर दूंगा 20 एंड इसको रन किया जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हाइट एंड विड्थ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो मैं इसको छोटा ही रखूँगा, मैं इसको डालूँगा 10 × 6 में, तो इसकी विड्थ होगी 10 एंड इसकी हाइट होगी 6। हम अभी इसको एक आपका यहाँ पे एक कमेंट पास कर लेते हैं इसके लिए एक हेडिंग कि हमने सबसे ऊपर देखा क्या, हम देखेंगे जो मेजॉरिटी है वो शिफ्ट ऑर्डर की ज़्यादा है हम पे, जो शिफ्ट ऑर्डर से कुरियर हो रहा है उसकी ज़्यादा है हम पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेजॉरिटी मेजॉरिटी टू दी ऑर्डर्स ऑर्डर्स आर शिफ्ट शिफ्ट थ्रू दी कुरियर। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे आप पर उस पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सॉरी ये हो चुका है एंड इसके बाद ओके करने के बाद इसको रन कर देंगे। तो आप यहाँ पे अपने चार्ट्स का नीचे से आपने इनसाइट्स या इसका लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगेन df को df.head दूंगा और इसके बाद हम देखेंगे इसमें इसको मैंने शिफ्ट और एंटर से आप प्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे हम पे कैटेगरी वाइज भी है शायद से, ये हमारा कैटेगरीज वाइज है, कैटेगरीज वाइज हमें किस चीज़ की सेल हमें ज़्यादा हो रही है तो मैं कैटेगरी वाइज दिखाऊंगा आपको। तो इसके लिए मैं करूँगा हिस्ट प्लॉट का यूज़ एंड सबसे पहले मैं हिस्ट प्लॉट बनाने के लिए क्या करूँगा df लूँगा और मैं आपको इससे पहले df.info करके एक चीज़ दिखा लेता हूँ।
ये मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। तो यहाँ पे ये हमारा जो कैटेगरी है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपको इसमें शो नहीं होगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक ये लूँगा df, एंड इसके बाद आपको बताया मैंने कहा था कॉलम के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है, एंड इसके बाद मैं लूँगा जो हमारा कॉलम है कैटेगरी। तो आप मैं इसको यहीं पर से कॉपी कर दूँगा। आप मेक श्योर होने चाहिए कि आपके इसमें सॉरी आपको इसको लेते टाइम पे नेम डालते टाइम पे आपके कॉलम का नेम सेम होना चाहिए, एंड इक्वल टू करूँगा df, अगेन कॉलम का नेम लूँगा मैं, एंड यहाँ पे क्या करूँगा इसके टाइप को चेंज करूँगा। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको एस टाइप होता है, एस टाइप, और क्या कर देंगे हम इसको इसमें लिख देंगे str, तो इसका स्ट्रिंग का ये चेंज हो जाएगा। एंड इसके बाद जो हमारा आएगा कॉलम डेटा आएगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सी डी कर लेता हूँ इसको, कॉलम डेटा इक्वल टू करूँगा मैं जो हमारा डी एफ आएगा वो किसमें आएगा, इसका नेम आएगा तो ये हमारा गेन कैटेगरी में आएगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिगर को दे दूंगा इसमें, तो फिगर में मैं क्या करूँगा फिक्स साइज, आपको पता है अभी हमने ऊपर किया था यही। एंड इसके बाद अगेन हम यहाँ पे लेंगे इसको, मैं 10x6 के उसमें लूंगा। एंड इसके बाद जो हम इसको हिस्ट प्लॉट की वो देंगे plt.hist, हिस्टोग्राम आपको पता होगा, तो हिस्टोग्राम में सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉलम डेटा है, तो मैंने इसको डाल रखा है हमारा सी डी के उससे सी डी, तो ये हमारा दिखाएगा। एंड हमारे पास जो बिन्स होते हैं, मैं आपको अभी बिन्स बताऊंगा कि बिन्स का यूज़ क्या होता है। तो बिन्स है हम पे 30, एंड इसका कलर है हम इसके एज कलर को लेंगे, इसके कलर को मैं लूंगा ऑरेंज ले लेते हैं या रेड ले लेते हैं, पहले मैं इसको रेड लूंगा। यहाँ पे हम करेंगे इसको रेड, एंड जो हमारे ये आप इसके रोटेशन को भी कर सकते हैं, तो मैं इसको आपको रोटेशन के लिए बता देता हूँ। तो इसको plt.xtix से हम वो करते हैं xtix, और इसमें डाल देते हैं हम रोटेशन। तो मैं आपको बता दूंगा ये हमारा किस काम आता है, एक बार ये आप यहाँ से ये कर दीजिए रोटेशन इक्वल टू 90, एंड यहाँ पे करूँगा मैं plt.show, एंड मैं इसको शिफ्ट एंटर के साथ रन कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया आपका हमारा वैसे आ चुका है। तो ये है इसका रोटेशन। आपको मैं ये बता दूँ जो हमारा टी शर्ट था, तो ये हमारा अभी तक ऑब्जेक्ट में था, तो ऑब्जेक्ट में शो नहीं हो पाया, इसे मैं इसके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आप स्ट्रिंग में चेंज होने के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने सबसे पहले क्या किया, मैं सबसे पहले कैटेगरी के कॉलम को लिया, उसको मैंने स्ट्रिंग में चेंज किया, एंड मैंने उसको जो ये कॉलम है इसको मैंने एक कॉलम डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें स्टोर किया। एंड जो plt फिगर है इससे हमारा ये साइज का इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज होता है, आप इसको हिसाब से इसकी लेंथ और विड्थ को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसके बाद plt.hist ये काम करेगा हमारे हिस्ट प्लॉट बनाने का। एंड जो आप बिन्स देख रहे हैं, बिन्स ये हैं, सपोज मैं यहाँ पे बिन्स को 15 कर लेता हूँ, एंड इसके बाद देखिए आप, तो ये हमारे बिन्स का होता है, ये हमारे साइज होता है इनका कॉलम का, जो हमारे बार है ये इनका साइज होता है। तो मैं अगेन आपको मैं इसके बाद, एंड यहाँ पे जो हमारे कलर है ये एट्स कलर है, तो आप एट्स कलर से समझ रहे होंगे। एंड एट्स कलर के बाद मैं इसमें कलर डाल दूंगा, कलर इक्वल टू मैं कर लेता हूँ यहाँ पे येलो, एंड मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एज कलर है वो रेड है, और मैं इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ब्लैक
ब्लैक लगूंगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे इसके बाहर की बाउंड्री का कलर है, ये चेंज हो चुका है। एंड ये आप plt.x टिक्स देख रहे हैं, मैं अभी आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 180 डालता हूँ एंड क्या हुआ चेंज, ये देखिए ये हमारा नेम है, ये हमारा चेंज हो गया। जो हमारा 180 था इसका रोटेशन ये चेंज हो गया। तो मैं इसको डाल देता हूँ 90 रोटेशन है। तो ये है फ्रेंड्स, तो आप इसमें देख रहे हैं हमारे सबसे ज्यादा टी शर्ट्स का है जो सबसे ज्यादा सेल हो रही है। तो ये हमें इससे पता चल रहा है कैटेगरी से हमें सबसे ज्यादा किस चीज की सेल हो रही है अमेजोन पे, तो हमारे टी शर्ट के काफी ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं। तो आप इसके बाद ये यहाँ पे आप अपने अच्छे तरीके से ग्राफ को समझने के बाद आप अपना यहाँ पे इनसाइट्स भी लिख सकते हैं। तो इनसाइट देखेंगे तो मैं इसमें लिखूंगा मोस्ट ऑफ द बायर्स आर टी शर्ट्स, सॉरी। तो मैं इसको क्या कर लूंगा यहाँ पे कोट की जगह पे मैं इसको हेडिंग करूंगा ये एंड इसको कर दूंगा यहाँ पर से रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निकाला मोस्ट ऑफ द बायर्स आर टी शर्ट्स, जो हमारे बायर्स हैं वो ज़्यादातर टी शर्ट्स को प्रीफर कर रहे हैं लेना। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे पाई चार्ट्स में हम देखेंगे हमारा B2B। फ्रेंड्स B2B होता है कि आपका बिजनेस टू बिजनेस, आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको एक्सेल में इसका ये दिखा लेता हूँ। तो ये हम पे है क्या, मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ एक्सेल में। ये मैं पहले इसको टेबल में चेंज कर लेता हूँ अगेन, और ये हमारा टेबल में चेंज हो चुका है, इसमें फिल्टर लग चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं आपको B2B का दिखाऊंगा। तो आप फिल्टर से मैं आपको समझा लेता हूँ, मैं इस पर फॉल्स वाले पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे इसका मैं दिखा लेता हूँ आपको, तो फ्रेंड्स B2B का क्या होता है, इसमें ये आपका होलसेलर या रिटेलर के पास होगा कि इन्होंने कहाँ से ज़्यादा ही लिया है। जहाँ पे हमारा ट्रू होगा आई थिंक उसका अगर कॉलम होगा तो ये हमें शो करा लेगा रिटेलर। एंड यहाँ तो है नहीं हम पे, चलिए हम इसको एक पाई चार्ट्स के उससे समझते हैं कि हमारा रिटेलर के पास कितना है एंड होलसेलर के पास से क्या है B2B का। जहां हमारा फॉल्स होगा तो उसने तो फॉल्स वाला हमारा रिटेलर होगा एंड जो उसका B2B ये ट्रू वाला होगा वो होलसेलर होगा। तो चलिए मैं इसके लिए आपको यहां पे एक कोड रखता हूं कि हम पाई चार्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा B2B में जो डेटा है वो कितना है। तो मैं इसके लिए लिखूंगा चेक B2B डेटा, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ पे B2B का एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं सबसे पहले B2B से। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा मैं इसको काउंट करूँगा, DF है जो हमारा एंड अगेन मैं कॉलम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ ऊपर वाले से ये हमारा B2B है यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के साथ साथ क्या करूँगा मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड क्या करूँगा यहाँ पे वैल्यूज काउंट डॉट में हम क्या लगाएंगे वैल्यूज काउंट। इससे क्या होगा ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स को काउंट कर देगा, वैल्यूज काउंट्स। देन हम पाई चार्ट बनाएंगे, मैं यहाँ पे एक और कमेंट डाल देता हूँ आप इसको याद रहेगा पाई चार्ट्स का, क्रिएट पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हम क्या लेंगे ये मैटप्लॉटलिब का है तो इसलिए plt.py और मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा एंड यहाँ पे डाल दूंगा मैं चेक डॉट B2B। तो ये हमारा होगा
जो हमारे वेरिएबल है ऊपर, चेक बी टू बी के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा एंड हम इसको लेबल देंगे। जो लेबल्स होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा चेक बी टू बी। चेक बी टू बी ये हमारा होगा। एंड जो हम इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम पे आता है ऑटो पैक्ट, कि हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे ऑटो पैक्ट इक्वल टू। एंड इसके लिए यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में और सबसे पहले आपको परसेंटेज का साइन देना होगा, इसके बाद आप वन लिखेंगे, इसका मतलब मैं आपको समझा लेता हूँ। एंड इसके पॉइंट में वन है, देन एफ और एफ एंड डबल परसेंटेज का सिंबल होगा ये हमारा। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कर देंगे plt.show कर देंगे। एंड मैं इसको रन करूँगा एंड ये रन होते ही हमारा यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो एरर के लिए बोल रहा है नो आर्बिट्यूट वैल्यूज काउंट, तो सॉरी हमारे यहाँ पे वैल्यूज नहीं आना था, हमारे यहाँ पे वैल्यू आना था। एंड यहाँ पे चेक की जगह पर होना था चेक बी टू बी। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप इसमें जहाँ आपका कैप्स में तो आप वहाँ कैपिटल में कीजिए, जहाँ आपका स्मॉल में तो आप स्मॉल में कीजिए। मैं इसको रन कर लेता हूँ गेन शिफ्ट एंटर के साथ, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा काउंट भी आ चुका है और ये हमारा परसेंटेज में भी है। बट इसने क्या किया है हमारे इसमें लेवल्स में, इसने हमें इसमें जो इसका इंडेक्स है वो हमने दिया नहीं कि ये ट्रू एंड फॉल्स क्या है इसमें से, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बी टू बी के आगे लेवल पे पॉइंट डॉट इंडेक्स कर लेता हूँ मैं इंडेक्स। तो आप भी इस तरीके से करिए। एंड ये देखिए ये हमारा फॉल्स है एंड ये हमारा ट्रू है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो ये फॉल्स वाला है ये हमारा रिटेलर का है एंड ये हमारा होलसेलर का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको कमेंट दे लेता हूँ मैक्सिमम 99.2%, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 99.2% ऑफ बायर्स आर क्या है, बायर्स आर रिटेलर, तो ये हमारे क्या है रिटेलर्स हैं। तो ये हमारे रिटेलर्स हैं एंड जो हमारे 0.8 हैं, 0.8% है ये हमारे क्या है आर होलसेलर्स। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हमारे पास कितने रिटेलर हैं एंड कितने होलसेलर्स हैं। मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपसे इजी से आपने पाई चार्ट्स का पता कर लिया होगा। एंड मैं इसको जो ये हमारे कॉलम है ये हमारे सेल्स हैं, मैं इनको और आप बी से बी प्रेस कर लिए आप जुपिटर नोटबुक में, तो ये आपके बढ़ते जाएंगे। एंड हमारा ये ए करेंगे तो आप इसके अबव वाला बढ़ता जाएगा। इसके बाद मैं करूँगा, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, सबसे पहले आपको एक्सेल में लेके जाता हूँ। तो एक्सेल में यहाँ पे मैं आपको कैटेगरीज वाइज दिखाता हूँ कि हमारे पास कैटेगरीज में जो हमारे पास ब्लेजर है और ये शूज़ है, सॉक्स हैं, ट्राउज़र है, टी शर्ट, इनके साइज़ हम पे कौन कौन से अवेलेबल है, तो ये हमारे अमेजोन उस पर, तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वैसे तो स्कैटर प्लॉट का यूज़ करेंगे, पर स्कैटर प्लॉट वैसे तो होता है कि दो डेटा के बीच रिलेशनशिप बताने के लिए कि इसमें रिलेशन कैसा है, तो चलिए पर हम स्कैटर प्लॉट से ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कैटेगरी के साइज अवेलेबल हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्कैटर प्लॉट के लिए हमें सबसे पहले उसको उसका एक्स एंड वाई जो उसके एक्सेस होते हैं उसमें हमें डेटा के लिए वो डालना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पर पहले एक कमेंट में डाल देता हूँ scatter plot, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
एक्स डेटा होगा, तो हमारे उसमें क्या होगा एक्स डेटा में, तो मैं इसमें डाल देता हूँ df डॉट कैटेगरी, हमारे इसमें क्या होगा कैटेगरी होगी। एंड जो हमारा वाई डेटा होगा, जो हमारा वाई एक्सेस होगा, तो उसमें क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पे df अगेन, एंड जो हमारा वाई एक्सेस में हम डालेंगे वो हमारा साइजेस होगा, जो हमारा साइज कितना है क्या है ये कैटेगरी का। इसके बाद मैं यहाँ नीचे पे plt डॉट स्कैटर प्लॉट के लिए डाल देता हूँ, तो ये आ गया हमारा। एंड मैं यहाँ पे ये दो इनको ये कर लूँगा, एक्स डेटा है जो हमारा, एक्स डेटा जो हमने लिया है, एंड वाई डेटा। तो ये है। एंड इसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया फ्रेंड्स, मैंने एक्स एंड वाई डेटा नेम के दो वेरिएबल बनाए, और उसमें अपना जो भी है एक्स में कैटेगरी एंड वाई में इसका साइजेस का ये स्टोर कर लिया। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं plt में एक्स लेबल दूंगा अपने, जो हमारा एक्स लेबल होगा तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा कैटेगरी होगा। एंड जो हमारा वाई लेबल होगा उसको हम नेम देंगे, वाई लेबल को हम नेम देंगे अपना साइज। एंड इसके बाद जो हमारा टाइटल आएगा, तो इसके लिए डालते हैं plt डॉट टाइटल। तो टाइटल हम क्या डाल देते हैं इसमें, तो टाइटल में हम डालते हैं अवेलेबल साइज। ओके फ्रेंड्स, अवेलेबल यहाँ पे हल्का सा सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है लिखने में, ये हमारा अवेलेबल साइज। एंड इसके बाद कर दूंगे इसको plt डॉट सो, तो मैं यहाँ पे सो कर दूंगा इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरीके का आ चुका है। तो जो हम पे साइजेस हैं ये हम पे टी शर्ट्स में, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बायर्स ने हमारे टी शर्ट्स को ही लिया है, तो मैं इसमें देख सकते हैं टी शर्ट में हमारे पास स्मॉल, बस ओनली फ्री साइज़ नहीं है, बाकी सब साइज़ अवेलेबल है। एंड जो हमारे पास शर्ट है उसमें भी सेम है, और जो सॉक्स है हमारे पास उसमें भी हम पे ये 4XL इसका नहीं है, सॉक्स में तो होगा भी नहीं। एंड ट्राउज़र भी आप देख सकते हैं XL तक है हम पे। एंड जो हमारा वॉलेट परफ्यूम एंड शूज़ है ये हम पे फ्री साइज़ के हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हम जो चीज़ देखेंगे, हम जो है अपना सिपडेट देखेंगे हम सिटी वाइज। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपको एक्सेल में सिपडेट दिखा देता हूँ हमारे पास सिपडेट में क्या है। सिर्फ स्टेट का है उसका हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिप डेट देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये जो हमारे स्टेट हैं स्टेट वाइज को जो यहाँ पे है हमारा, मैं इसको डालूंगा स्टेट वाइज में, जो हमारी मैक्सिमम ऑर्डर्स हैं वो हमारे किस स्टेट्स के हैं। तो चलिए मैं इसको शो करवाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं डाल दूंगा plt डॉट जो हमारा सबसे पहले फिगर है जो हमारा किस साइज़ का रहेगा, फिगर में मैं इसको डाल दूंगा फिक्स साइज होगा जो हमारा, ये होगा हमारा 12x12 और हम 8 डाल देते हैं, ये हमारा रहेगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, और मैं इसको काउंट प्लॉट में डाल दूंगा क्योंकि हमें काउंट करना है स्टेट वाइज, तो मैं इसको डाल दूंगा काउंट प्लॉट। एंड काउंट प्लॉट में जो हमारा डेटा होगा, डेटा है हमारा इक्वल टू df, एंड जो हमारे एक्सिस पे आएगा वो हमारे क्या आएगा, ये हमारा सिप डेट, सॉरी मैं मेरे मुंह में डेट ही आ रहा है, तो सिप स्टेट है।
जो हमारा सिप स्टेट है, मैं आपको यहाँ पे डेटा है जो हमारा दिखा लेता हूँ। तो ये हमारा सिप स्टेट है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। एंड मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इसको पेस्ट कर लूँगा। एंड जो हमारा सिप स्टेट है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। एंड इसको मैं इसके बाद लेवल दूंगा, जो हमारा एक्स लेवल होगा। तो इसको मैं दूंगा आपका स्टेट, जो हमारा स्टेट है। एंड जो हमारा वाई लेवल है इसको मैं दूंगा plt.yLevel। मैं इसको दूंगा ऑर्डर काउंट, ऑर्डर काउंट मैंने इसको दिया। एंड इसके बाद जो हमारा टाइटल होगा, टाइटल को हम देंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट। तो ये फ्रेंड्स हमारा टाइटल हो गया। मैं इसको कर लेता हूँ plt.show। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं सिंपल इसको plt.show कर लेता हूँ। तो हम पे लगभग सब स्टेट का डेटा आ चुका है और हम पे इसका शो भी नहीं हो रहा है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हम पे बहुत सारे स्टेटस हैं, तो उनका आ चुका है यहाँ पे। एंड अगर मैं इसके साइज को भी बढ़ाऊँ, हाँ तो इसको आप देखिए, मैं इसके साइज को 10 करूँगा। तो फ्रेंड्स एक काम करेंगे, हम इसमें निकालेंगे टॉप 10 जो हमारे स्टेट्स हैं, जो उनका ऑर्डर्स है, जो वहाँ जितने भी सेल्स या बायर्स हैं। तो चलिए टॉप 10 हम निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टॉप 10 स्टेट्स। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे टॉप 10 स्टेट्स लिख लेता हूँ, पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको यहीं पे चेंज करेंगे हम। तो टॉप 10 स्टेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं टॉप 10 स्टेट्स का। टॉप 10 स्टेट्स का एक वेरिएबल बनाया, एंड इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा df, जो हमारा डेटा फ्रेम है। तो ये हमारा किस में है, हमारा ये है सिप स्टेट, जो हमने जिसका टॉप 10 निकालना है। तो ये हमारा सिप स्टेट है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे इस पर वैल्यू क्या है, मैं इसके वैल्यू को क्या करूँगा, काउंट करूँगा, वैल्यू काउंट्स। एंड जो यहाँ पे इसके बाद वैल्यू काउंट्स के बाद आपने ऊपर देखा था हमने कैसे किया था ये ट्रू और फॉल्स वाले में, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा हेड। तो आपको पता है हेड किस चीज़ के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे हेड 10 कर लूँगा। तो ये हमारा क्या निकाल के दे देगा, टॉप 10 की वैल्यूज़ ये निकाल के दे देगा। मैं यहाँ पे आपके लिए हैश के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर टॉप टेन स्टेट्स। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे कमेंट भी पास कर लिया है। एंड इसके बाद यहाँ पे भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जो हमारा डेटा है। तो डेटा में हमारा df है, एंड df के अंदर हम अब क्या करेंगे, df एंड हम करेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अंदर से लूँगा इसमें सिप स्टेट है, जो हमारा सिप स्टेट। एंड सिप स्टेट के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉइंट इज इन किस में, हमारा टॉप 10 में, जो हमारा ये है टॉप 10, हमने जो यहाँ पे वो बनाया था वेरिएबल जो हम इससे लेंगे। तो डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारा सिप स्टेट है, तो हमने उसी के अंदर एक वेरिएबल स्टोर कर लिया है जो हमने टॉप 10 स्टेट बनाया है। तो मैं उसको इज इन करके क्या डाल दूंगा, इज इन करके एक कोड डाल दूंगा, और यहाँ पे टॉप 10 स्टेट जो हमने लिखा था। एंड फ्रेंड्स इसका हम इंडेक्स भी करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स का यूज़ क्यों होगा। एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ,
एंड इसके बाद जो हमारा एक्स लेवल है ये तो सेम ही रहेगा। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मैं शो कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। तो एंटर करने के बाद आप यहाँ पे स्टार का साइन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे तुम्हारे इसमें कुछ एरर शो हो रहा है, सिप स्टेट की एरर उठा रहा है। और ये हमारा किसमें है एरर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड हमारा सिप स्टेट है जो वो आई थिंक सेम ही होगा, सिप स्टेट हमारा एक्स लेवल है। तो फ्रेंड्स जो हमारी गलती है ये हमारा, आपको मैं यहाँ पे बता लेता हूँ कि गलती क्या हो गई है। जब ने ये सिप स्टेट है ये हमारा ऐसा नहीं था, हमने इसको अंडरस्कोर में ले लिया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा, एंड मैं इसको सिप स्टेट हमारा ऐसा था, आप यहाँ पे एक्स पे देख सकते हैं। एंड मैं इसको रन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टॉप 10 आ चुके हैं। तो हमारे से ज़्यादा महाराष्ट्र में है, पर इसका जो नेम है ये हम पे को सही नहीं हो, तो हमें इस नेम को रोटेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, तो इसके लिए होता है हमारा plt.xticks होता है जो हमारा, तो ये xticks से आता है। तो हम यहाँ पे रोटेशन डालेंगे, रोटेशन इक्वल टू हम डाल देंगे इसमें, आप 90 डालिए, मैं यहाँ पे 90 डाल देता हूँ। एंड ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र पे हमारे सब ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सॉरी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो हमारे मोस्ट ऑफ द बायर्स हैं, जो हमारे मोस्ट ऑफ द बायर्स आर महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हेडिंग कर लेता हूँ एंड इसको कर लेते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको पूरे अच्छे से एनालाइज किया, एंड मैंने इसको सबसे पहले किस तरीके से अपने डेटा क्लीन किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा लेता हूँ। जॉन सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, इसके बाद हमने अपना डेटा सेट इंपोर्ट किया, देन इसके बाद मैंने आपको डेटा सेट का इन्फो निकालना सिखाया, इसके बाद हमने हेड से बताया कि ये टॉप 5 लेगा, एंड टेल से बताया कि ये बॉटम टॉप 5 लेगा, एंड इसके बाद हमने नल वैल्यूज़ को चेक किया, एंड हमने इस नल वैल्यूज़ को सम भी कर दिया इसके बाद कि हम पे टोटल कितनी नल वैल्यूज़ हैं एक कॉलम में। एंड इसके बाद हमने आपको सेव भी बता दिया कि सेव से क्या होता है, df.save से हमारे पास टोटल रो एंड कॉलम का आ जाता है। एंड इसके बाद हमने रिमूव या ड्रॉप कर लिया अपनी नल वैल्यूज़, तो अब इसके बाद हमने देखा होगा कि इसमें ये नहीं है, देन हमारा इन्फो करके देखा तो हम पे उस पर ये नहीं था। और इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा ये सिर्फ पोस्टल कोड था, आई थिंक सिर्फ पोस्टल कोड ये, तो ये हमारा किस में था, ये हमारा ऑब्जेक्ट वैल्यू में था, तो हमने इसको किस में कर लिया, इंटीजर, जो इसका एक्चुअल वैल्यू है इस इंटीजर या फ्लोट, आप इसमें किसी में भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको इंटीजर में चेंज किया था। इसके बाद जो हमारा डेट एंड टाइम था ये भी हमारा, आई थिंक हमारी डेट भी ऑब्जेक्ट वैल्यू में थी, तो मैंने भी इसको टाइम के उसमें चेंज कर लिया। एंड हमने इसके बाद आपको डिस्क्राइब पर बताया कि डिस्क्राइब का यूज़ कैसा होगा। देन इसके बाद हमने क्या किया, तो हमने इसमें डिस्क्राइब में पहले तो ऑब्जेक्ट्स होने होते हैं, ये खाली इंटीजर वैल्यू भी देता है। इसके बाद आप इंक्लूड एक छोटा सिंटैक्स लिखते हैं, इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट का भी दिखा लेता है। इसके बाद हमने देखा किसी स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए भी है। देन इसके बाद हमने क्या करा, हमने इसके बाद अपना काउंट प्लॉट बनाया, तो हमने इसका साइज से चेक किया कि हमारे सब ज़्यादा किस साइज़ के, ये मीडियम साइज़ के लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं इस चीज़ को लेना, जो भी हमारा कैटेगरी में जो भी हमारा आइटम्स हैं। एंड इसके बाद क्या किया हमने, हमने इसके बाद अगेन कुरियर स्टेटस देखा, कुरियर स्टेटस में आपने देखा होगा कि हमारे जो कुरियर हैं वो शिफ्ट के बाय हो रहे हैं। एंड इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल कैटेगरीज है उन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल किसकी है,
एंड ये हमारा कि रिटेलर एंड होलसेलर का इसने कंट्रीब्यूट किया है। एंड इसके बाद हमने अवेलेबल साइज भी देखे हमारे पास। एंड इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट देखा, जो हमारा ऑर्डर काउंट है सबसे ज़्यादा हमें महाराष्ट्र वालों ने सबसे ज़्यादा हम पे इनका ही इस स्टेट का जो भी है बायर्स हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।